जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर स्कूल जाने को मजबूर ग्राम मुड़ पार के छात्र एवं छात्राएं। इस वजह से कई बच्चों ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। लगातार बारिश जहां जनजीवन अस्त व्यस्त करती नजर आ रही है, वहीं स्थानीय नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ आसपास के नदी किनारे गांव में पानी भर जाने से बुरा हाल है। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल का हाल व वहां का नजारा दिखाने जा रहे हैं जहां जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर स्कूल जाते हैं। जहां दुर्ग जिला के विकासखंड धमदा स्थित ग्राम पंचायत भाठा कोकड़ी के आश्रित ग्राम मुड़पार के बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि ग्राम मुड़पार जो एक तरफ आमनेर नदी और दूसरी तरफ कुकरी नाला से घिरा हुआ है, जहां पर सिर्फ कक्षा 5वीं तक का स्कूल है। आगे की पढ़ाई के लिए वहां के बच्चे ग्राम घोटवानी 2 किलोमीटर दूर उफनते नाले को पार कर जाते हैं। बरसात के मौसम में स्कूली बच्चों को नाले के कारण भारी दिक्कतों का सामना करते दिखा जाता है। बारिश के 3 महीनों तक आधे से अधिक बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते और जो जान को जोखिम में डालकर जाते हैं, उनके पालकों को भारी डर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले यहां बच्चे नाले में बह चुके हैं जिसको ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर जान बचाई थी। इस गांव में लगभग 800 लोग निवास करते हैं और बारिश के दिनों में यहां के लोग राशन पाने के लिए भी तरस जाते हैं, क्योंकि यहां से सभी गांव सहित जिला व ब्लॉक से संपर्क टूट जाता है। यहां के लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो एम्बुलेंस भी यहां पहुंच नहीं पाती। इसी के चलते यहां के 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हम लोग को आने जाने में समस्या होती है पढ़ने के लिए और सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रहा है और हमारे कई सहेली लोग पढ़ाई छोड़ दिए हैं नाला के वजह से। नाला में बाढ़ आ जाता है तो हम लोग के स्कूल जाने में परेशानी होते हैं, बहुत सारी परेशानी होते हैं। हम लोग का कई बार बैग साइकिल भी बहा जाता है घोटवानी 5 किलोमीटर। बाढ़ हैं तो हमको जाने में समस्या होता है पढ़ने के लिए और बाढ़ की वजह से हम लोग स्कूल भी जा नहीं पाते और 2-3 महीना से घर में बैठे रहते हैं और आते हैं इसी पढ़ने तो साइकिल वाइकल बहा जाता है और कुछ समस्या भी है और सरकार इसमें ध्यान नहीं देता है। ये ग्राम मुड़पार ग्राम पंचायत भाठा कोकड़ी के आखिर ग्राम मुड़पार है जहाँ के लइका मन पढ़े बर घोटवानी जाते, लगभग दूरी 3 किलोमीटर दूर वो बीच में एक नाला पड़ते। नाला हर 4 महीना पूरा बंद रही थे बाढ़ के वजह से, जेमा लइका मन नहाके में बहुत समस्या होते। कई लइका ऐसे है नाला के वजह से आज पढ़ाई भी बंद कर चुके है, पढ़वे नहीं करे मन है। कई लइका ऐसे है जिद में नहाके कई बार तो साइकिल बहा चुके है, बस्तर पुस्तक बहा चुके है और एक बार तो ऐसे हो रही से 1-8 साल पहले यहाँ लइका बह चुके रही से जगह खोजे बार टीम भी आ रही से वे तो जैसे भी करके लइका के प्राण जो है वो बची से वे ठीक रही से। और आज मंत्री मन ला नेता मन ला जनप्रतिनिधि मन ला ये मन ला बहुत बार कई बार हो गए बोलत बोलत कि नाला बनवा दो लेकिन कोई ध्यान नहीं देवत है। कहाँ आवेदन करे? आवेदन तो अपन विधायक के पास करें, कैबिनेट मंत्री भी पिछले में कैबिनेट मंत्री रही से ओकर पास करें और 15-20-25 साल से करते चावत हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देवत है, ध्यान देवे नहीं करते हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।